हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज ये हमारी 31 क्लास है और चेस्ट हमारी 26 है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ गले के अकॉर्डिंग हमें कितना जो चेस्ट है आर्महोल कितना हमें लेना है, उस हिसाब से सब कुछ बता रही हूँ एक एक स्टेप बाय स्टेप करके। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आपके पास आ सकेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, मैंने आपको बैक पार्ट की कटिंग बता दी है। और आगे का गला हमारा 6 इंच है, पीछे का गला हमारा 8 से 7 इंच का है, 7 से 8 इंच सॉरी। तो देखिए, लंबाई हमारी 12 इंच, चेस्ट है हमारा 26 इंच, कमर है 22 इंच, आर्म होल है 13.5 इंच, शोल्डर है 13.5 इंच, बस्ट है हमारा, बस्ट पॉइंट होता है जो 8.5 इंच, और गला है आगे का हमारा 6 इंच, पीछे का गला है 7 से 8 इंच। तो मैं आपको दो गले लेकर चल रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा ना बन पाए इसीलिए। तो सबसे पहले हमें एक डब्बा ड्रॉ कर लेना है, डब्बा बना लेना है, और आपको एक कॉपी पेंसिल और स्केल लेनी है केवल, और कुछ नहीं लेना है सिलाई सीखने के लिए फिलहाल। और अगर आपको कोई भी पार्ट आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना कि ये पार्ट कैसे बताया आपने। तो देखिए, ऐसे हमने डब्बा एक बना लिया है। अब देखिए, इसमें हम आर्महोल का जो शेप होता है उसे हम दे देंगे। तो हमने इसको हमें देना है देखिए करीब 5.5 का, मतलब कि 5.5 होता है ये। और देखिए, अब हमारा जो लंबाई है 12 इंच है, तो हम लंबाई को बाद में नापते हैं क्योंकि जो टक्स वगैरह आते हैं इसीलिए। तो देखिए, सबसे पहले हम नापते हैं शोल्डर को। शोल्डर हमारा 13.5 इंच है। तो मैंने आपको अगली वीडियो में बताया है कि हमें अगर 13.5 इंच शोल्डर है और अगर हमारा 7 इंच गला है या 8 इंच गला है, तो हमें अगर हमारा 7 इंच गला है तो हमें 1 इंच कम करना है शोल्डर को आधा करके, और अगर हमारा 8 इंच गला है तो हमें 1.25 इंच कम कर देना है, 1.25 से 1.5 इंच हम कम कर सकते हैं। तो हमारा, हम मान के चलते हैं हमारा 7 इंच गला है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको आधा कर लेंगे शोल्डर को, तो हमारा शोल्डर हो जाएगा 6.75 इंच। तो अब हम इसमें माइनस कर देंगे तो हमारा 5.25 इंच हो जाएगा, मतलब कि 1.25 इंच हो जाएगा अगर हमारा 7 इंच गला है तो पीछे का। तो हम अगर हमारा आगे का गला है तो हम जो हमारा पीछे का शोल्डर है उसी हिसाब से हम थोड़ा बहुत लेते हैं। तो हमारा शोल्डर आ रहा है 1.25 इंच, तो हम 1.25 इंच पर शोल्डर लगा देंगे। तो देखिए, हम यहाँ से यहाँ तक 1.25 इंच का निशान लगा देते हैं। और अगर आपका 8 इंच गला हो, 7 इंच गला, अगर हमारा 7 इंच गला हो तो हमें ये लगाना है, और अगर हमारा 8 इंच गला हो तो हमें 5 इंच लगाना है। अगर हमारा 8 इंच गला हो तो, अगर हमारा 8 इंच गला हो तो हमें 5 इंच लगाना है ये शोल्डर जो है। तो हमें ये लाइन है जो हमें सीधी खींच देनी है ऐसे करके, ये लाइन सीधी खींच देनी है, और ये जो लाइन है यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5.25 इंच, और यहाँ से हम यहाँ तक लिख लेते हैं, ये हमारा लिखा हुआ है। और अगर हमारा 8 इंच गला है तो 5 ऊपर से आ रहा है तो 5 हमें नीचे से ही कर लेना है, तो हमें 5.25 इंच नहीं करना है अगर हमारा 8 इंच गला हो तो। अब देखिए, हम आर्महोल के शेप दे देंगे। तो हमें जो शेप देनी है वो हमें यहाँ पर 1.5 इंच की देनी है, जो हमारा ये राउंड है। तो अब ये देखिए, ये आर्महोल होता है मेन हमारा, जो हमारा ये यहाँ तक चेस्ट तक हमारा जो आर्महोल होता है वो हमारा मेन आर्महोल होता है। तो हमारा 6.75 तक आर्महोल ये आ रहा है आधा करके, 13.5 का आधा हमारा 6.75 हो जाता है। तो हम 7 इंच तक कर सकते हैं, थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है फैन बोलते बोलते, ध्यान नहीं रहता है। तो देखिए, हम चेस्ट को कितना रखेंगे। तो देखिए, चेस्ट हमारी जैसे कि 26 इंच है, तो हम 26 का चौथा हिस्सा कर लेंगे। 26 का चौथा हिस्सा हो जाता है हमारा 6.5 इंच, 6.5 इंच। तो हम इसमें 1/2 इंच कर लेंगे, 1/2 इंच इसमें कर लेंगे, तो हमारा 7 इंच हो जाएगा पूरा।
तो हम यहाँ से यहाँ तक 7 इंच इसको ले लेंगे, ठीक है। और जो हमारी कमर है, तो कमर को हम देखें, जैसे कि हमारी कमर यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक पहले हम 3.5 इंच पर टक्स का निशान लगाएंगे। जो भी हमारा, जैसे कि हमारे टक्स यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, और देखिए 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर, तो हमें ये टक्स 1 इंच का लगाना है, 1 इंच का, क्योंकि हमारी जो चेस्ट है और कमर है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, 4 इंच का फर्क है, तो हमें इसी के हिसाब से टक्स को लेना पड़ता है। मैंने आपको टक्स के बारे में भी पूरी नॉलेज दी हुई है कि हमें कितना बड़ा, किस साइज में टक्स लेना होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो आप ज़रूर देखना, आपको मैंने 1/1 करके बताया हुआ है। तो मैं देखिए इसको थोड़ी सी ऊपर लेते हुए करीब 1.5 लेना है यहाँ से, और यहाँ से हमें 1.5 इतना दूरी पर लेना है ये दोनों टक्स हमें। तो इसको हम तिरछा कर देंगे ऐसे करके, और इसको भी हम तिरछा कर देंगे। और देखिए यहाँ से और यहाँ तक ये वाला जो टक्स होगा वो हमारा होगा 2.5 इंच का। ये जो आर्महोल के पास जो टक्स निकलता है हमारा, तो ये वाला जो टक्स होगा वो हमारा 1/2 इंच का होगा, और ये वाला टक्स होगा हमारा 1/4 इंच का, और ये वाला टक्स होगा हमारा 1/2 इंच का, और ये वाला टक्स हमारा हो गया 1 इंच का। तो ये हमारे टक्स हो चुके हैं। अब देखिए जो हमारा गला है 6 इंच का, उसका निशान लगा देते हैं। जो राउंड है उसको दे देते हैं, जो भी राउंड शेप या चौकोर देना हो, आप जो भी गले में शेप देना चाहो वो दे सकते हो। तो ये हमारा 6 इंच का गला है आगे का। अगर आपको 7 इंच का करना है तो शोल्डर को भी थोड़ा सा कम करना होगा, अगर आपको 7 इंच चाहिए तो गला। तो गले का महत्व जो होता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, जितना हमारा गला होता जाता है बड़ा, उतना ही हमारा शोल्डर छोटा होता जाता है। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है हर एक गले के बारे में। तो अभी मेरा 26 इंच चेस्ट चल रहा है, तो मैं आगे पार्ट में आपको बताते जाऊंगी कैसे हमें क्या करना है। तो देखिए 3.5 इंच हमने ये ले लिया है, तो हमारा 1/2 इंच का तो ये टक्स लग गया, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक बचा केवल 3 इंच, 3 इंच ये बचा। और हमें ये कमर जो है पूरी कितनी चाहिए, 6.5 इंच की, तो 3 इंच ये हो गया। और यहाँ से अभी इस टक्स को छोड़ते हुए हम यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि इस टक्स को छोड़ते हुए हम यहाँ से यहाँ तक पूरा ले लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो हमारी कमर आ रही है, तो हमें ये 6.5 इंच रखना है, क्योंकि 22 इंच कमर है हमारी और 5.5 इंच होता है, और 1 इंच का हमारा टक्स आ गया, तो हमें 6.5 इंच यहाँ से यहाँ तक रख लेनी है। और जो भी आपको मार्जिन देना है वो आप दे सकते हो। तो मैं 2 इंच का मार्जिन देती हूँ, तो मैंने 2 इंच का मार्जिन ऐसे करके लिख दिया है, तो आपको ऐसे ही लिख देना है। तो मैं आपको फास्टली बता रही हूँ, अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना फ्रेंड, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा फिर लंबी हो जाती है। मैं एक एक पार्ट करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तो देखिए ये जो हमें 1/2 इंच का और एक्स्ट्रा पट्टी के लिए कर देना है, ताकि उकाई के लिए, आधा इंच। अब देखिए हमें अब आ गया पॉइंट लंबाई का, तो अब हमारी देखिए लंबाई है 12 इंच, 12 इंच हमारी लंबाई है, 1 इंच का करीब ये टक्स हो जाएगा, 13 इंच, और आधा आधा इंच हमारी ऊपर नीचे सिलाई में जाएगी 14 इंच, और नीचे से जो हम फोल्ड करके आगे के हिस्से को लगाते हैं तो ये हमारी पूरी हो जाएगी 15 इंच की लंबाई। तो यहाँ से और यहाँ तक हम जो लंबाई है हमारी 15 इंच की हमें लंबाई रखनी है आगे के पार्ट में, और पीछे के पार्ट में आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप वहाँ जाकर देख लेना। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय। और कमेंट करके जरूर पूछना कि अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आपका।